जय हिंद मित्रों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न से संबंधित प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जो भिन्न से रिलेटेड हैं और उनका मान भिन्न में लाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लास लेवल में आपको 10 में प्राप्त होगा, 8 में मिलेगा, इसके ऊपर वाली क्लासों में भी आपको मिलेगा ऐसा प्रश्न, और कंपटीशन लेवल के लिए तो बेहद अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। कह रहा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी भिन्न का मान हमें पता करना है कि कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, देखिए, माना अंश बराबर अंश बराबर कितना x मान लेते हैं, और हर बराबर मान लेते हैं y, हर बराबर कितना y। अब देखिए इस हिसाब से जो हम मान रहे हैं, इसके हिसाब से जो हमारा भिन्न बनेगा वो बनेगा हमारा कौन सा, x बटा y, यानी अंश बटा हर भिन्न होता है। तो ये तो आपका रियल भिन्न हो गया जो हमने माना था। अब देखिए जो ये कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश से हमें क्या करना है, 1 घटाना है। तो 1 घटा देते, अंश यही है, इसमें से 1 घटाते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार अंश से, कह रहा तो अंश यक्स है, इसमें से 1 घटा देंगे, वाई को वाई रहने देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उसका मान 1/3 हो जाता है, ये प्रश्न में आपसे कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x-3 = y, को 1 से करेंगे तो y, या 3x-y = 3। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब देखिए दूसरी बार क्या कह रहा है। तो दूसरी बार यहाँ पे हम चलते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, यानी लिखते हैं दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त में कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है, कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न तो हमारी यही है, यानी x/y में कह रहा 8 जोड़ देना है, हर में कह रहा 8 जोड़ने को, तो हमने हर में 8 जोड़ दिया। अब ये कितना हो जाता है, 1/4, तो 1/4 लिख लेते हैं बराबर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया आपका 4x, और इससे बराबर y से करेंगे तो y+8 होगा, 1 से करेंगे गुणा तो 4x-y = 8। ये आपका कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा। तो पहला और दूसरा समीकरण आपको मिल गया। अब सिंपल सी बात है, दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को हल करना है। तो समीकरण 1 इसी के नीचे लिख लेते हैं। समीकरण 1 आप देख रहे हैं ये वाला, इसको हम ले जाकर के इसके नीचे लिख लेते हैं, या इसको ला करके इसके नीचे लिख लेते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो 4x-y = 8, 4x-y = 8, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण जो हमने यहाँ से लिया है। अब सरल करना है तो ये पद, इसको हम घटाते हैं, घटाने पर ये घटाने हैं। अब देखिए ये जब घटाएंगे तो निशान बदलना पड़ेगा हमको, इस टाइप से ये कट जाएगा, 4 में से 3 निकाल देंगे तो -x बचेगा, और बराबर 8 में से निकाल देंगे कितना, 3, तो माइनस बचेगा 5, या x बराबर आपका कितना बचा, 5। x का मान निकल आया, अब y का मान देखिए यहाँ लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, किसका मान, समीकरण का मान 1 में रख देते हैं, सॉरी x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 यही है, 3x माइनस
तीन बराबर, ये नहीं इसको लिखना है, तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन। अब इसका मान एक्स बराबर पाँच आया है तो यहाँ पाँच लिखते हैं, तीन गुणे पाँच बराबर सॉरी माइनस वाई और बराबर तीन, या माइनस वाई बराबर ये जाएगा उधर, तो तीन माइनस पांतिया पंद्रह, माइनस वाई बराबर पंद्रह में से तीन निकाल देंगे तो कितना आएगा बारह, माइनस का बारह, दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा और वाई बराबर आपका आ जाएगा बारह। अब देखिए एक्स का मान आ गया आपका, यहाँ लिख देते हैं एक्स बराबर पाँच वाई बराबर बारह, ये तो एक्स वाई का मान हो गया, पर हमसे पूछा है भिन्न, यानी कौन सी भिन्न बनेगी, तो भिन्न के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमने माना था अंश, इसको हर, अंश हर यानी एक्स बटा वाई, यही तो हमारा क्या था, यही देखिए हमारा आया हुआ था जब हमने भिन्न बनाया था, तो देखिए एक्स बटा वाई आया था, बना था, तो वही अब यहाँ पे हमको अप्लाई करना है, तो बराबर एक्स की जगह कितना आया है पाँच और वाई की जगह कितना आया है बारह, यानी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी पाँच बटा बारह, ये आपका राइट आंसर निकल करके आया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हर परीक्षा के दृष्टि से यानी जो भी कंपटीशन लेवल की या क्लास लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे प्रश्न जो हम बेस के आधार पर आप लोगों को बता रहे हैं, ये अगर आपको भली भांति आ जाता है तो परीक्षा में यानी जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो इसको इतना बड़ा नहीं लगाना पड़ेगा आपको, इसके कुछ ज़्यादा पार्ट तो अपने मन में ही लगा लेंगे और आंसर आप जल्दी से फाइंड कर पाएंगे, तो बेस लेवल पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आपको ऐसे ही प्रश्नों से कल आपको फिर रूबरू करवाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।